हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों मेरे पास देखिए ये है आईफोन 12 की कॉपी बॉडी। दोस्तों इसका जो बैक ग्लास है वो डैमेज है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या कॉपी बॉडी पे बैक ग्लास रिप्लेस हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे पास ये है एक बैक ग्लास जो कि मुझे इस कॉपी बॉडी पे जो है कि रिप्लेस करना है। ठीक है दोस्तों, क्वालिटी वगैरह सब ठीक है, फिटिंग वगैरह भी सब अच्छी आती है, लेकिन दोस्तों ये जो बॉडी है ये है कॉपी। दोस्तों इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस पे हम ब्लैक ग्लास को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों काफ़ी दुकानदारों ने मुझे कहा हुआ है कि कॉपी बॉडियों पे ब्लैक ग्लास जो है कि रिप्लेस नहीं होता। दोस्तों होने को हो भी जाता है, वो तरीका अलग अलग काम करने का होता है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर क्या इशू आता है वही मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉपी बॉडी के ऊपर ग्लास रिप्लेस करते हो तो आपको क्या दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं पहले इसका बैक ग्लास जो है कि पहले इसको तोड़ता हूँ। दोस्तों ये ग्लास जो है पूरा कंप्लीट टूटा नहीं है, तो इसको निकालने के लिए पहले इसको हर जगह से मेरे को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके इसमें जो है कि ये निकालने में आसानी होती है। ठीक है तो दोस्तों मैं कस्टमर्स को भी दिखा रहा हूँ, कस्टमर लोग कहते हैं कि हमारी जो कॉपी बॉडी इस पर ग्लास लग जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ग्लास लग जाता है, होने लग जाए, लेकिन ज़्यादातर केसों में ग्लास नहीं लग पाता है। दोस्तों इसका रीज़न क्या है ना लगने का वही मैं आपको इसको समझाऊंगा, एंड में दिखाऊंगा कि आप क्या रीज़न है इसका ना लगने का। ठीक है तो दोस्तों चलिए मैं इसका पहले बैक ग्लास जो है कि वो पहले मैं इसका रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है यहाँ से दोस्तों बैक ग्लास जो है इसका रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों काफ़ी मतलब इसमें जो ग्लू है ये भी ग्लू जो है कि मजबूत लगी हुई है। दोस्तों वैसे कॉपी बॉडी है लेकिन जो उसकी क्वालिटी है ग्लास की वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी होती है, और फिटिंग वगैरह भी जो है कि ओरिजिनल जैसी ही फिटिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए लिए मैं इसका पहले बैक ग्लास जो है कि पूरा रिमूव करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने सारा ग्लास जो है कि निकाल लिया है। अब दोस्तों आप जो ध्यान देने बात है, दिक्कत आपको यहाँ आएगी। देखिए दोस्तों ये जो कैमरे का जो लेंस होता है बैक कैमरा, ये सेट ही पूरा बाहर निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये सेट देखिए बाहर आ गया है। दोस्तों जितनी भी कॉपी बॉडियाँ होती हैं उसमें ये सब कैमरा का सेट है वो बाहर निकल जाता है। दोस्तों ये बॉडी भी देखिए ग्लास बिल्कुल ही अच्छे से बाहर आ गया है, लेकिन जो कैमरा का सेट है ये जो है कि बाहर पूरा निकल के आ गया। ये तो दोस्तों यही पूरा फ्रेम निकल गया, तो इसके कारण ग्लास जो है कि अब सही से नहीं लग पाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ग्लास तोड़ता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो चूड़ी जो फ्रेम है ये भी जो है कि चूड़ी जो होती है गोल वाली ये भी जो है कि हमारी खसक गई है, तो अब इसको दोस्तों फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता, जैसे कॉपी में ही ऐसा होता है। तो दोस्तों यही कारण है ग्लास का ना लगना। दोस्तों लगने को लग भी जाए, लगाने वाले जुगाड़ के लगा देंगे, लेकिन ज़्यादा केसों में ये जो लेंस जो है कि बाहर आ जाता है। ठीक है तो दोस्तों यही रीज़न होता है ग्लास ना लगने कॉपी बॉडी पे। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा कि ग्लास लगता है कि नहीं लगता कॉपी पे। दोस्तों मेरे ख्याल से ग्लास जो है कॉपी पे ना लगाएं तो बेहतर है। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो आपको बताया कि। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।